सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड गार्ड में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँ जो भी आप ड्रामे देख रहे थे उसके नए एपिसोड के बारे में, साथ ही साथ जो ड्रामे आने वाले उसके बारे में, और साथ ही साथ जो ड्रामे आए हैं उसके बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आती हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ड्रामे जो आती है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते, कुछ भी आपको पूछना हो, जानना हो तो। और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर के ज्वाइन करो, फॉलो करो। सो अभी बात करते हैं जो भी आप ड्रामे देख रहे थे उसके नए एपिसोड के बारे में। पहला जो ड्रामा है जिसका नाम है रैन और साइन, यदि आप इस ड्रामे को देख रहे थे तो इसका जो नया एपिसोड है आ चुका है। अब जाकर के इसको आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार से चेकआउट कर सकते हो। और जो अगला ड्रामा है जिसका नाम है फैंटास्टिक, यदि आप इस कोरियन ड्रामे को देख रहे थे तो इसका भी नया एपिसोड आ चुका है। और इन दोनों ही ड्रामे के एपिसोड को आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार से चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं जो आने वाली है उसके बारे में। जो पहले नंबर पे जो कि एक मूवी है जिसका नाम है सियोल वाइब्स, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। और ये आपको 26 अगस्त से देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। और ये जो मूवी है एक एक्शन क्राइम मूवी होने वाली है। अब जो लिस्ट में अगले नंबर पे है जो कि एक साउथ कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है द ग्लोरी, अभी इसकी कॉन्फर्मेशन हुई है जिसमें आपको 8 एपिसोड देखने मिलेंगे और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की 1 एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। और ये जो ड्रामा है एक थ्रिलर मेलो ड्रामा होने वाला है। और ये ड्रामा अब इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। अभी तक इसकी हिंदी की कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही होती है इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब इसमें जो अगले नंबर पे है जो कि एक साउथ कोरियन रियलिटी शो है जिसका नाम है सिंगल्स इन्फर्नो। बात कीजिए इस रियलिटी शो के बारे में तो इसको 8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इसके सीजन 1 में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने मिलते हैं जिसकी रनिंग टाइम लगभग 1 घंटे की रखी गई है। और ये जो शो है एक रोमांटिक रियलिटी शो होने वाली है। और ये आपको 27 जुलाई से हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इस शो की जो रेटिंग है भाई साहब 18 प्लस है, तो अगर आप उससे ज्यादा हो तभी जाकर के इसको देखना, अदरवाइज आप अपने रिक्स पे देख सकते हो। ओके, जो लिस्ट में अब अगले नंबर पे जो कि एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है कार्टर, इसका अपडेट मैंने पहले ही दिया था टेलीग्राम पे, सो अगर आप वहाँ पे होंगे तो आपको पता होगा। ये जो मूवी आपको 5 अगस्त से हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। और ये मूवी लगभग 2 घंटे 13 मिनट की होने वाली है। और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो 5 तारीख से आप इसको देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। ओके, जो अब अगले नंबर पे है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ड्रामा आपको प्लेफ्लिक्स पे हिंदी तमिल तेलुगु भाषा में देखने को मिलने वाला है। सो जिन लोगों ने इसको हिंदी में देखा है उसके लिए तो मतलब ठीक ही है, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और जो लोग मतलब इसको तमिल और तेलुगु भाषा में देखना चाहते थे तो वो लोग अब देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं जो आज के डेट में रिलीज की गई है उसके बारे में। जो पहला जो ड्रामा है जिसका नाम है फार्मिक अकेडमी, और इसी का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक डार्लिंग। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे में आपको टोटल 4 ही एपिसोड देखने मिलते हैं जिसकी रनिंग टाइम 50 मिनट की रखी गई। और ये जो ड्रामा है फ्रेंडशिप रोमांस स्कूल लाइफ पे बेस्ड है, तो यदि आप इसको देखना चाहते हो तो जाकर के आप प्लेफ्लिक्स पे चेकआउट कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं एमएक्स प्लेयर के बारे में। तो एमएक्स प्लेयर पे आज के डेट में एक हिंदी सीरीज रिलीज की गई है जिसका नाम है रूहानियत। इसका जो सीजन 1 है पहले आ चुका है और इसका जो सीजन 2 है आज से स्ट्रीम हो रही है, तो यदि आप इसका वेट कर रहे हो तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। और इस सीजन में आपको टोटल 14 एपिसोड देखने मिलते हैं जिसका रनिंग टाइम लगभग 30 से 35 मिनट की रखी गई है। सो यदि आप चाहते हो तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।